पूरे रोड पे लगे हैं स्पीड कैमरास, कौन से वाला चलान करता है कौन से वाला नहीं करता ये अभी तक सस्पेंस है। सफारी खड़ी थी बीच में ग्रीन कलर की, तो मैं उधर देख रहा था, स्पीड मेरी जो है ना वो पूरी 60 पे थी सुई से, मुझे लगा कि। हेलो जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और ये प्रिया देखो रेडी हो रही है, और टाइम यार पूरे 7 बज चुके हैं। तो टारगेट हमारा ये है कि हमने घर पहुंचना है एज सून एज पॉसिबल, ताकि हम आज यार वर्किंग है एक्चुअली में मेरा ऑफिस का, तो हमारा तो हम ज्वाइन करेंगे, हम टाइम से पहुंचेंगे और ज्वाइन करेंगे, तो टारगेट ये। बाकी यार बहुत मज़ा आया रात को, बहुत कोजी स्टे था, बहुत मज़ेदार। और बाहर का अभी मैंने देखा नहीं है हिसाब किताब, अभी ठंड कितनी है। ओह इट्स नॉर्मल, मतलब ये ज़्यादा ठंडा नहीं लग रहा है, सही है। बाहर का व्यू देखो। तो यार सामान वगैरह हमारा छोटा मोटा जो भी था वो सब पैक हो गया, तो बस अभी निकलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो अभी हम निकलते हैं, और इतना बुरा रास्ता है ना, देखा ही होगा आपने पिछली वीडियो में, मेरे को तो सच में ऐसे हो जा रहा है, चलानी गाड़ी चाहिए जितेंद्र ने, मेरे को तो यार मतलब नीचे तक ये 7-8 किलोमीटर वाला तो बहुत बुरा है ही है, पर वो जो साइंस तक का रास्ता, साइंस तक का यार जहाँ से हमने टर्न लिया था ना वो मेन रास्ते से, पूरे रास्ता बहुत बेकार है। यहाँ पे तो यार मेन टाउन है ये है ना, एक्चुअली हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा आगे चले गए थे, मतलब हमारा जहाँ पे स्टे था वहाँ पे बिल्कुल एंड है, मतलब उसके बाद है नहीं कुछ भी, और थोड़ा क्लोज व्यू है, मतलब ऐसे सामने पहाड़ है उसके अलावा कुछ नहीं है। और अगर आप यहाँ पे इस जगह के आसपास रुकते हो तो यहाँ पे गाँव है, ऐसे दूर तक दिखता है, बीच में बहुत बड़ी जगह है खाली। तो यार जहाँ पे हमने स्टे किया था वो स्टे अच्छा था, बट वो नया बना हुआ था, आई थिंक वो नया बना है इसलिए वो थोड़ा क्लीन लग रहा था, वैसे बनाया अच्छा हुआ है, जगह अच्छी है, बट बाथरूम मेरे को थोड़ा सा ऐसे लगा कि क्लीन उतना नहीं है। बाकी अभी तो ठीक है, बट ओवर द टाइम जैसे थोड़ा सीजन चले जाएंगे तो फिर वो ज़्यादा आई थिंक ख़राब हो जाएगा। बाकी आई डोंट नो, मतलब आके ही कन्फर्म करना पड़ेगा आपको, कोई ऑप्शन नहीं। और आई थिंक अगर आप ढूंढ रहे हो यहाँ पे तो ट्राई टू फाइंड नियर बाय हॉस्टल, और हॉस्टल और अच्छी लोकेशन पे है, हॉस्टल बढ़िया लोकेशन पे है, या फिर उसके आसपास कुछ देखो वो ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे गांव के बीच में आपको मिलेगा तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। रास्ते थोड़े हैं ख़राब ना यहाँ पे, टाइम लगता है ज़्यादा, वैसे इतना कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बट टाइम लग जाता है ज़्यादा। स्कूल वाले बच्चे हो गए रेडी, और ये सामने इधर को मीडोज हैं, आपको शायद दिख नहीं रहे होंगे। अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो उसमें हमने ये कवर करी है, और पिछले व्लॉग को देख सकते हो जाके। जस्ट निकले ही हैं, मतलब टाउन से जस्ट नीचे ही आए हैं, और रास्ते भी ठीक नहीं हुए हैं, खराब रास्ते पे लग गई पीछे, मैं क्या पता नहीं पानी पुनी पीने के लिए पीछे हो रही होगी, देखा तो ब्रेड निकाल लिया, पानी तो है नहीं अब उसमें, दो ही पीस रह गए, तो भाई एक मेरा एक तेरा है, मैं पहले बता दूं, दूसरा खाएगी तो फिर लड़ाई हो जाएगी। अभी खाएगा तो तेरा, नहीं तो मेरा। ये पूरा रास्ता ना नीचे जाने में उतना मुश्किल नहीं लग रहा, ये बस गाड़ी की बैंड बज रही है ठक 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 खट 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 खट, अदरवाइज ये नॉर्मल है, बट जब ऊपर आती है ना गाड़ी भाई, कल मैक्सिमम टाइम पहले गियर में आई है, मैक्सिमम टाइम, बहुत कम जगह है जहाँ पे दूसरा गियर लगा, तो कभी भी आओ तो थोड़ा मोमेंटम बना के रखो गाड़ी का, भाई मोमेंटम नहीं टूटना चाहिए, अगर मोमेंटम टूट गया तो फिर यार स्ट्रगल भी ज़्यादा करनी पड़ेगी और कुछ नुकसान कर बैठोगे वो अलग। बाकी क्लच तो ध्यान रखो भाई, क्लच से तो पैर हटा के चलो, नहीं तो यहाँ तो बहुत जल्दी उड़ने वाला है। पहला गियर ही कर लेते हैं भाई, कुछ खुल कुछ खुली ना जाए बहुत ज़्यादा मुश्किल है भाई ये,
और मैं बोल रहा हूँ ना, नीचे उतरने में उतना मुश्किल नहीं है जितना ऊपर चढ़ने में। भाई साहब नीचे रोड कौन सी ये तो पता नहीं, बट जबरदस्त लग रहा है भाई। क्या मस्त नज़ारा यार, मस्त एकदम। नदी बह रही है, वो पुल भी है नीचे छोटा सा लकड़ी का। ये पूरा कच्चा है और स्टीप, आई थिंक आपको पता नहीं समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा कैमरे में, पर ये काफ़ी स्टीप है यार। और अगर बारिश होगी और आप गाड़ी में आ गए ना, तो शायद आप चढ़ ही नहीं पाओगे गाड़ी में, मतलब फंस सकते हो, ऐसी वाली है। और ये होता क्या है ना, भैया बता रहे थे कि पूरी बरसातों में यही होता है यहाँ पे ना, बरसातों में पूरा स्लाइड होते रहते हैं, क्योंकि पहाड़ हैं काफ़ी बड़े बड़े और मिट्टी के पहाड़ हैं ये। अब ये जो है ना सेंज के बाद वाला रास्ता, ये स्टिल बेटर है, मतलब ये काफ़ी हद तक बेटर है, मतलब टूटा फूटा है लेकिन सड़क तो है ना, एटलीस्ट आप आराम से चल सकते हो ठीक ठाक स्पीड पे। जितेंद्र मेरे को घर पे बोलता रह गया, ब्लिंकिट करते ऐसे मंगवा दे, इतने हफ्तों से मंगवाए नहीं थे अभी तक, और उस दिन इसको ऐसा हो रहा था भी मंगवा। मेरे को ये था कि सेब यार ना, पता क्या है, एक कभी भी मन मुन भी थोड़ा इधर उधर हो ना, तो सेब खाने के बाद ना आप बेटर फील करोगे। तो ये एक टिप ही है समझ लो, जब भी कभी ट्रैवल करो तो अपने साथ एप्पल ज़रूर रखो, कोई भी फ्रूट। हाँ एप्पल रख लो, ऑरेंज रख लो, ऐसी ऐसी चीज़ें रखो अपने साथ, फ्रूट स्पेशली, और एक नाइफ ताकि आप धो के काट के खा सको। ये बढ़िया रहता है, मतलब सबसे बढ़िया यही रहता है नाश्ते में मेरे हिसाब से। तो अगर आपने एक एप्पल खा लिया नाश्ते में, उससे बेटर क्या हो सकता है। और हमारे आगे आगे ना एक स्कॉर्पियो एन चल रही है, मैंने इसको हॉर्न मारा और बंदा ना दिल पे ले गया, उसके बाद उसने ओवरटेक करने का मौका ही नहीं दिया, और बंदे ने रास्ता नहीं दिया पर भगा लिया, वो भगाते हुए जा रहा है मेरे आगे आगे। भाई हम लोग काफ़ी नीचे आ गए हैं सेंज वैली के आसपास। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ व्यू, इसको बोलते हैं भाई व्यू, क्या जबरदस्त जगह है यार नीचे, जबरदस्त। जाना पड़ेगा भाई वापस, क्या ही कर सकते हैं। तो भाई पहुँच गए हम लोग फाइनली मनाली वाले हाईवे पे आ गए हम लोग, कनेक्ट कर गए। ऑलमोस्ट हमें डेढ़ घंटा लग गया, ऑलमोस्ट डेढ़ घंटा। क्या आता है देख देख के ना, नए नए प्रोजेक्ट्स कैसे बन रहे हैं, वो पूरा इधर डंगा दे के पूरा नीचे से बना दिया है और उसी के ऊपर ही दूसरा रोड बना दिया जो आने वाली ट्रैफिक के लिए, जो मनाली आने वाली है। ज़बरदस्त लग रहा है, पहले ये इतनी सड़क होती थी, अब उसी के ऊपर पिलर खड़े करके उन्होंने दूसरी सड़क बना दी है, मज़ेदार। काफ़ी हद तक काम हो गया, सिर्फ एक ही मेन टनल रह गई, जिस दिन वो कनेक्ट होगी उस दिन सब सेट हो जाएगा। नहीं ये हमें वैसे अलग क्यों लग रहा है कि सड़क के ऊपर सड़क बना दी, नॉर्मल फ्लाईओवर जैसे तो होते हैं जो शहरों में बने होते हैं, बट हम उसको अलग नजर से देखते हैं, इसको अलग नजर से देख रहे हैं। मतलब ये वही बात है ना, दिमाग लगाया यहाँ पे सब स्टेबल है तो उन्होंने उसी सड़क के ऊपर एक और सड़क बना दी है। फिर मेन तो स्टेबिलिटी है ना यहाँ पे पहाड़ों में, तो स्टेबिलिटी चाहिए कि स्टेबल रहे सड़क, ऐसे जाए ना खराब ना हो, तो अगर वो है तो फिर ठीक है। अब ये देखो यहाँ से टनल निकाल दी, ये पहले नहीं थी क्या? नहीं ये ऊपर वाली तो थी पहले, और ये भी देखो टनल बना दी, पहले वो बाहर बाहर से रोड जाता था नीचे नीचे से, ठीक है तो ये बंद हो गया, ये नई चालू हो गई टनल। यहाँ से मुझे लगता है 2 ही घंटे लग जाएंगे प्रिया भैया ना, हाँ 2 ही घंटे लगेंगे, और इतना लगेगा 2-2.25 घंटे मैक्सिमम। तो भाई अब यार ऐसे है कि 4 लेन में ना गाड़ी चलाने का मज़ा भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, क्योंकि जो एक तो स्पीड लिमिट वाला सीन है, दूसरा यार ना वो वाला फन ख़त्म हो जाता है जो पहाड़ों वाला होता है ना। बाकी अब तो खैर सीधा सीधा ही रास्ता है, कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो बचा नहीं, क्योंकि ये वाला रास्ता तो प्रिया को तो वैसे ही इंटरेस्टिंग नहीं लगता। ये पूरे रोड पे लगे हैं स्पीड कैमरास,
कौन से वाला चलान करता है कौन से वाला नहीं करता ये अभी तक सस्पेंस है। ये चलान होने के बाद पता चलेगा, ये चलान होने के बाद पता चलेगा। कुछ लोगों के होते हैं कुछ लोगों के नहीं होते हैं। ये लोकल टैक्सी वाले जो चलते हैं यहाँ पे उन्होंने बताया ये चीज़ कि सेम जगह पे कुछ लोगों के चलान हुए हैं कुछ लोगों के नहीं हुए हैं। तो पता नहीं ये कैसे करते हैं, आई डोंट नो। लेकिन मेक श्योर कि आप इस कैमरा को अबव 60 क्रॉस ना करो। ज़्यादा बेटर है कि आप कंसिस्टेंट 60 पे चलते रहो, वो ज़्यादा अच्छा है। आपको एवरेज भी अच्छी मिलेगी, आप आराम से चिल मारते हुए जाओ। भाई अभी क्या हुआ ना, इस तरफ को ना आर्मी की कानवाई खड़ी थी, बड़ी मस्त लग रही थी गाड़ियाँ एकदम ना मस्त वाली, और सफारी खड़ी थी बीच में ग्रीन कलर की। तो मैं उधर देख रहा था, स्पीड मेरी जो है ना वो पूरी 60 पे थी सुइया से। मुझे लगा कि अभी गाड़ी की स्पीड देखो पूरी 60 पे है सुइये। अब ये कैमरा देखना क्या स्पीड दिखाएगा, 56। ये देखो 56, तो कैमरे में 56 है लेकिन गाड़ी की स्पीड देखो 60 से भी ऊपर थोड़ी सी जा रही है। तो एक्चुअली में क्या होता है, तो इसको हम कह देते हैं स्पीडो एरर। तो ये कंपनी ने ना इंटेंशनली रखा होता है इसीलिए कि आप स्पीड लिमिट्स के अंदर चलो हमेशा। तो अगर आपकी गाड़ी की स्वीप आपको बता रही है ना कि आपकी गाड़ी 60 पे है, तो उसकी एक्चुअल जो स्पीड होती है वो 54-55 से ज़्यादा नहीं होगी। तो वो 5 से 8 के बीच में, अलग अलग कंपनी का अलग अलग गाड़ी का हिसाब रहता है, 5 से 8 KMPH जो है वो स्पीड एरर बीच में दे रखा होता है ताकि आप सेफ लिमिट्स में ड्राइव कर पाओ और ऐसी ऐसी चीज़ों से बच सको। हम लोग जब भी सोचते हैं ना टाइम से जाएंगे जल्दी जाएंगे, तभी कुछ ना कुछ पंगा होता है। पहले इधर वाली लाइन चल रही थी तो लोग इधर को घुसने को हो गए थे, अब उधर वाली चल पड़ी तो अब सीधे हो गए। और फॉरेन में ना ऐसे होता है कि अगर किसी एक बंदे ने ऐसे स्टॉप का साइन दिखाया हुआ है तो मतलब आगे या तो एक्सीडेंट हुआ या कुछ हुआ है, तो वो लोग एक के पीछे एक ही लगेंगे, वो कभी भी आगे नहीं जाएंगे एक दूसरे से निकल निकल के, जैसे इंडिया में होता है हमारे चलता है। बेचारे कल एक फॉर्च्यूनर वाला साइड कर दिया क्योंकि बस निकलनी थी, उसके बाद उसकी किसी ने नहीं सोची इधर से भी लाइन जा रही है इधर से एक लाइन आ रही है, वहीं खड़ा दिया बेचारा साइड में ही खड़ा रहा। फिर बंदा क्यों साइड होएगा, वही है ना, फिर वही पंगा है ना। मेरे साथ भी कई बारी होता है कि अगर मैं किसी एक को रास्ता दे दूं, मैं इसलिए सोच के रास्ता देता हूं कि अगर ये बंदा नहीं निकला तो पीछे वाली पूरी लाइन बंद हो जाएगी, बट फिर अपने बारे में कोई नहीं सोचता भाई, ये चक्कर है यहाँ पे। और टेम्परेचर देखो भाई साहब, चेंज हो रही हैं चीज़ें, अब 40°C दिखा रहे हैं। टाइम हो गया 1:15 और हम लोग पहुँच गए हैं, कौन से वाला टोल है ये, कुराली वाला टोल, यस। तो पहुंचने वाले भाई, और मैंने आज प्रिया को बोला पहले ही, मैं कहा आज तू लाइन डिसाइड कर किस लाइन में जाना है। तो प्रिया ने हमें ये 5 नंबर लाइन में लगवा दिया, कहती है आप इसमें लगो, इसमें हम जल्दी निकलेंगे। पर मुझे कुछ जल्दी जैसा लग नहीं रहा, 2 बारी निकलने को हुआ मेरे को, लगा निकल गया पर अभी वही खड़ा है, उसका स्कैन ही नहीं हो रहा है। अरे भाई साहब घुस जाते हैं टोल के नीचे। हाँ वही वही चक्कर है एक्चुअली में ना यार, स्कैनर जहाँ पे लगा है भाई उसको कम से कम अपने टैग के साथ अलाइन करो यार थोड़ा। अब देखो होता क्या है ना कि वो लगा ऊपर स्कैनर, तो लोग कई बार ना स्कैनर से भी आगे निकल जाते हैं, तो भाई उसकी रडार में थोड़ा रेंज में रहो। स्कैनर देखता कौन है, ये लगा ना ऊपर। हाँ ये लो बस, तो इतना ही टाइम लगता है, 2 सेकंड में निकल यार जाता है। पता नहीं यार समझ क्यों नहीं आता है दुनिया को, मेरे को तो ये चीज नहीं समझ आती। मैं तेरे को बताऊं सच्ची, वैसे मैंने भी कभी ऐसे स्कैनर पे ध्यान नहीं दिया कि हाइट, वैसे ढूंढने की कोशिश तो करती थी बट मैंने भी स्कैनर देखा पहली बार ही आज। शायद ये पता नहीं, शायद ये पता क्यों ऐसे होता है, क्योंकि मैं ना हमेशा चीज की जड़ तक जाता हूँ, मतलब टेक्नोलॉजी समझने की कोशिश करता हूँ कि चल क्या रहा है, मतलब हो क्या रहा है। तुम सिर्फ आम नहीं खाते हो, हाँ गुठलियां भी गिनते हो। मैं गुठलियां गिनता रह जाता हूँ, आम तो मेरे को खाने नहीं मिलता। तो प्रिया जी एक बार बता दो यार कितना टाइम हो गया, कैलकुलेट तो कर दो। 121। अरे कैलकुलेट करो, 121 तो हमें भी पता है। 6.5, 6.10, 6.11, 6.12, 6 घंटे तो हो गए भाई। अरे भाई साहब 6 घंटे हो गए हमें, अरे 6 घंटे में से 40 मिनट तो हमने वैसे ही खराब कर दिया ना उधर खाने में। तो 40 मिनट आप खाने के निकाल लो और आधा की घंटा तो हमें जाम में भी फंसना पड़ा है ना, तो ये निकाल दो। मतलब मान के चलो कि आपको 6 घंटे तो लगेंगे भाई, शांगढ़ से अगर सीधे आ रहे हो चंडीगढ़ तो 6 से ज़्यादा ही मान के चलो, आप कम मत मान के चलो, क्योंकि आपको पता ही है मेरी ड्राइविंग भी थोड़ी ऐसे रहती है प्रो लेवल वाली। खुद ही अपनी तारीफ कर रहा हूँ। ठीक है चलो, मतलब चलो हम व्लॉग अभी एंड कर देना। तो आई थिंक अब कुछ रह नहीं गया है यार, जाने का मन तो नहीं करता घर, लेकिन ठीक है
वापस घर ही जाना पड़ेगा, लेकिन फिर आपसे जल्दी मिलेंगे और हमने अगले ट्रिप की तैयारी कर ली है। यस, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, क्योंकि कुछ नया ट्राई करेंगे इस बार, छोटा ट्रिप करेंगे, चंडीगढ़ के आसपास का रखेंगे, लेकिन कुछ नया निकाल के लाएंगे आपके लिए। तो चलो फिर, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक, और पूरी सीरीज़ बताना मेरे को कैसी लगी है, और बाकी मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।